मुंबई के गोरेगांव में फिल्म सिटी के पास हादसा, दीवार गिरने से दो लोगों की गई जान, एक घायल। फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा और रेलवे ट्रैक पर लगा दी छलांग, आरपीएफ कर्मी ने दौड़कर बचाई जान। वही नकली ग्राहक बन स्पा सेंटर पहुंची पुलिस, महिला को किया गिरफ्तार। जल विभाग ने मुंबई में 10% पानी कटौती के लिए आयुक्त को भेजा प्रस्ताव। कोस्टल रोड टनल में नहीं जाएगा मोबाइल का नेटवर्क, लगेगा टावर। मुंबई का वायु प्रदूषण नियंत्रण मॉडल, पूरे देश के लिए बनेगा एक मॉडल आयुक्त। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर ड्रोन उड़ाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। मुंबई लोकल में निर्मला सीतारमण ने किया सफर, वीडियो वायरल होने के बाद फडणवीस बोले, इसलिए बननी चाहिए तीसरी बार मोदी सरकार। मुंबई में मनोज जरंगे और 5 आरक्षण कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज। मुंबई के बांद्रा और पश्चिम में बनेगा 165 खाट का कैंसर हॉस्पिटल। नवी मुंबई के मंदिर में एक हफ्ते में तीसरी बार चोरी, दान पेटी से पैसे निकाल ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में अवैध रूप से रह रहा अफगानी नागरिक गिरफ्तार, पासपोर्ट पैन कार्ड हुआ जब्त। मुंबई मार्शल फ्लाइट में अचानक बंद हो गया AC, बच्चों बुजुर्ग समेत कई यात्रियों की अटकी सांसें। समुद्र के नीचे सुरंग में होगी 320 की रफ्तार, रेल मंत्री ने दिया हाई स्पीड ट्रेन पर सबसे बड़ा अपडेट। वहीं मुंबई में देह व्यापार गिरोह चलाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, 3 महिलाएं हुई मुक्त। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला हिस्सा 2026 तक हो जाएगा तैयार। वहीं पश्चिम रेलवे ने सबे बारात पर 2 विशेष ट्रेनों की चलाने की घोषणा की। मुंबई लोकल ट्रेन में 2 लड़कियों ने किया अश्लील डांस, रेलवे पुलिस ने लिया एक्शन। मुंबई में आज की सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए SP अपडेट। थैंक यू।